नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कल सीकर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पवन मोदी के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राठौड़ ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में पेपर लीक माफिया पनप रहा है, वहीं महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लूट और गैंगवार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस अवसर पर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और एक और चीज मैं जो कहना चाहती हूँ, थे वेदी जी थे, उन लोगों ने जागरूक कार्यकर्ता हैं जिन निश्चित तौर पर जिन भ्रष्ट लोगों को हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि लाल डायरी हाथ में ले ले और इन भ्रष्ट लोगों के नाम लिखना शुरू कर दे, ये संस्थागत भ्रष्टाचार, ये सरकार के संसाधनों की लूट, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, जमीनों की लूट, इन सब के बारे में जो भी सहयोगी रहे उनको भी गिरफ्त में लेंगे और जिन्होंने किया उनको भी गिरफ्त में लेंगे।